हेलो एवरीवन, वेलकम टू बदानीस क्वांटिटी सर्विंग इंस्टीट्यूट। मेरा नाम है मैनाक। आज मैं माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट जो है उसके बारे में थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो मैं पिछले वीडियो में माइक्रोसॉफ्ट MSP का थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन, मतलब एक्टिविटी कैसे डालना, कैसे इनपुट करना होता है, उसके बाद कैसे रिसोर्स टेबल बनाना पड़ता है और कैसे कोई भी एक्टिविटी को लिंक कैसे करना पड़ता है, मैं सब कुछ उधर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। और मैं बोलूँगा थोड़ा बहुत ऑप्शंस के बारे में और कैसे आप लोग कुछ कोई भी एक सेल को मॉडिफाई कर पाओगे, वो सब मैं बोलूँगा। तो देखते हैं, अभी चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो मैं पहले बताऊँगा कि देखिए, इधर प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बहुत कुछ ऑप्शन और या फिर कैटेगरी सेट करना पड़ता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, फाइल में जाकर फिर देखिए ये ऑप्शन, और इधर जो दिख रहा है ये फंडामेंटल ऑप्शन है प्रोजेक्ट का, मतलब इधर से कोई भी प्रोजेक्ट का फंडामेंटल जो एक्टिविटी है और चीज़ है वो आप सेट कर पाओगी। मानिए कि मेरा, जैसे मेरा प्रोजेक्ट का जीएनएल में दिखा रहा है स्क्रीन टाइप स्टाइल, वो कैसे आएगा, मतलब इधर जो प्रोजेक्ट ये हर एक जो टूल या फिर आइटम बॉक्स दिख रहा है, इसके ऊपर अगर माउस को ले आएंगे तो उसके ऊपर उसका क्या काम है, उसका क्या कैसे वो वर्क करता है, तो वो दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, शो फीचर डिस्क्रिप्शन इन स्क्रीन टिप्स, मतलब टिप्स देने के लिए, ऑटोमेटेड कोई भी टिप्स लाने के लिए वो ये ऑप्शन को एक्टिवेट करना होगा आप लोगों को। और सेकंड, टाइम प्रोजेक्ट व्यू को डिफॉल्ट व्यू वो गैन चार्ट टाइमलाइन के हिसाब से रखिए, कोई बहुत इधर तो बहुत दिया हुआ है, फिलहाल ये गैन चार्ट जो दिया हुआ है, गैन चार्ट गैन विद टाइमलाइन, ये देना चाहिए प्रोजेक्ट के, क्योंकि आपको गैंट चार्ट के हिसाब से प्रोजेक्ट का टाइमलाइन कंपेयर करना होगा, देखना पर जरूरी है। और डेट फॉर्मेट आपकी कोई भी मर्जी हिसाब से आप डेट फॉर्मेट चूज़ करते हो, जो चूज कर सकते हो। फिलहाल ये पहले दिन और दिन नेक्स्ट मंथ और ईयर के हिसाब से दिया हुआ है इधर। और ये यूज़र नेम देखिए, इधर आपका जो PC का यूज़र नेम है वही डालेगा, और इनिशियल में वो यूज़र नेम का फर्स्ट वर्ड वो अप्लाई हो जाएगा खुद ब खुद। और नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट में देखिए इधर डिस्प्ले, मतलब डिस्प्ले रिलेटेड कोई भी चीज़ जो है वो इधर आपको मिल जाएगा। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका कैलेंडर सेट करना हो, वो भी चेंज कर पाओगे। ये कैलेंडर फिलहाल ये जॉर्जियन कैलेंडर दिया हुआ है, यही लेना चाहिए आप लोगों को। करेंसी भी सेट कर पाओगी, तो मैंने यही बोल दिया था पिछले क्लास में कैसे करेंसी सेट करना पड़ता है। और स्केड्यूलिंग में देखिए, स्केड्यूलिंग में भी बहुत सारा ऑप्शन है, जैसे कि कैलेंडर के ऑप्शन और स्टार्टिंग डेट डिफॉल्ट, मतलब स्टार्ट मतलब कोई भी प्रोजेक्ट का जो वर्किंग टाइम है, वर्किंग पीरियड, वो दिन में कितना समय के लिए, मतलब पर आवर पर डे कितना आवर काम होना चाहिए, और कितने बजे से काम शुरू हो रहा है, 8 बजे से डिफ़ॉल्ट एंड टाइम 17 बजे 5 बजे तक, और पर वीक मतलब एक वीक में कितना आवर्स का प्रोडक्शन चाहिए या फिर कंटिन्यूशन चाहिए, वो इधर से आप सेट कर पाओगे। मानिए कि आपका एक वीक में 8 घंटा काम होगा तो वो 40 आएगा, 40 आवर्स, तो इधर से सेट कर पाओगे पर मंथ के हिसाब से। एंड नेक्स्ट शेड्यूलिंग करना, ये टिक शो शेड्यूल मैसेज, मतलब ये टिक करना जरूरी है, क्योंकि जब कुछ शेड्यूलिंग होगा तो उसके हिसाब से कितना वो उसका जो रिजल्ट है वो देखना चाहिए, इसलिए इसको टिक रहना ही जरूरी है। न्यू टास्क क्रिएटेड ये ऑटो शेड्यूल कर लेना आप, जब इधर दो ही है, मैनुअल शेड्यूल और ऑटो शेड्यूल, तो फिलहाल ये ऑटो शेड्यूल पे ही है। और वर्क एंटायर ड्यूरेशन एंटायर इन, मतलब आवर्स के हिसाब से देना हो तो वो भी दे सकते हो, या फिर दिन के हिसाब से देना चाहो तो वो आपकी मर्जी, वो दे पाओगे। और ये हो गया, इधर से ये सारा ऑप्शन भी है,
ये सब ऐसा ही टिक रहना चाहिए कोई भी प्रोजेक्ट में। देन सेव ऑप्शन तो आप लोग जान पाओगे, मतलब कहीं से भी आपको आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसको कौन सी पाथ में, कौन सी लोकेशन में, आपका पीसी का कौन सी लोकेशन में सेट करना चाहते हो वो आप लोग सेट कर पाओगे बाय दिस ऑप्शन, ब्राउज एंड चूज योर ओन लोकेशन। और ये इधर से लैंग्वेज है फिलहाल ये इंग्लिश ही ठीक है। एडवांस में आप लोगों को कुछ देखने को मिल जाएगा, मतलब डिफॉल्ट स्टैंडर्ड रेट, मतलब अगर कोई एक्टिविटी में या फिर रेट चार्ट में आप लोग उसका कॉस्ट डालना या फिर रेट डालना भूल गए तो उधर से आप सेट कर पाओगे। मतलब मानिए कि आपका कोई एक्टिविटी है उस पर आप रेट डालना भूल गए हो तो इधर आप लोग अगर इधर से सेट कर दोगे तो वो खुद ब खुद वो एक्टिविटी में रेट दे देगा। तो फिलहाल मैं इधर से 100 रुपये दे रहा हूँ डिफॉल्ट ओवर टाइम रेट, ये भी मैं 50 दे रहा हूँ, ये मैंने दे दिया। और इनपुट करने के बाद देखिए एडिट ऑप्शन में ये सब कुछ एडिट को चेकबॉक्स में, चेकबॉक्स ओके रहना चाहिए क्योंकि एडिट करने के लिए सब कुछ देखिए इधर दिखा हुआ है, आस्क टू अपडेट ऑटोमेटिक लिंक, एडिट डायरेक्टली टू इन सेल, ये सब नहीं लिंक रहेगा तो फिर काम करना दिक्कत हो जाएगा। तो और नेक्स्ट है डिस्प्ले, मतलब आपका जो काम करने का वो मतलब कि मिनट में काम करना चाहिए या फिर आवर के हिसाब से, डे के हिसाब से, ओके, और वीक के हिसाब से, मंथली, सब देखिए मतलब जो प्रोडक्शन है वो कैसे दिखाएगा वो दिखा रहा है इधर, टाइम टाइम ड्यूरेशन के जो ये फॉर्मेट है वो दिखा रहा है इधर, और हाइपरलिंक का कलर कैसा आएगा वो सब। तो ये हो गया कस्टम रिबन, आप खुद के हिसाब से कोई भी मतलब ये जो ऊपर जो दिख रहा है रिबन, हेल्प व्यू रिपोर्ट रिसोर्सेस टास्क और फाइल, आप खुद के मर्जी से कोई अलग सा रिबन भी ला सकते हो। तो नया रिबन लाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, न्यू टैब में ऐड कर, न्यू टैब कोई भी एक न्यू टैब ऐड करना पड़ेगा, फिर मानिए इसका रीनेम करना होगा, इधर उसका रीनेम करना होगा। रीनेम करने के लिए इधर से लिखना होगा, मान लीजिए मैं इसका नाम दूंगा, ये नाम दे दिया और उसके हिसाब से कोई भी कलर चूज कर लो या फिर सिंबल चूज कर लो और देन ओके। और देखिए ये बन गया, और इसके ऊपर अगर इधर कुछ आपका कस्टमाइज कोई टूल वगैरह लेना चाहते हो तो वो ऐसे करके देन ऐड, और देखिए ये ऐड हो गया, फॉर्मेट पेंटर लिंक टास्क, हर एक अलग अलग एक्टिविटी के रिबन के हिसाब से जो है टूल्स जो है वो जैसे खुद आप कस्टमाइज कर पाओगे। फॉन्ट के कलर, फॉन्ट ये देखिए ये फॉन्ट के कलर ऐड, एंड देन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट के जो ऑप्शन है इधर से इंपोर्ट करूँगा तो फिर ये इंपोर्ट कर दिया, और या फिर ओके दबाने से ये, और ये देखिए हो गया। तो वो आपका जो खुद से बना हुआ जो रिबन है वो देखिए ये न्यू टैब में दिख रहा होगा, देखिए मैं ये दो डाला था फॉन्ट कलर कट, तो ये आ गया, ये कस्टमाइज वाला, ये कस्टमाइज करने का जो टैब, कस्टमाइज टैब है इसको बोला जाता है। तो ये हो गया, अब नेक्स्ट हम मैं दिखाऊंगा कि ये तो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट पहले ही मैं ये दिखा दिया था आप लोगों को कि कैसे ये बनाना होगा, कैसे इसका प्लानिंग करना होता है। और कोई भी क्रिटिकल एक्टिविटी देखने के लिए क्या करना पड़ता है, मान लीजिए कोई भी मेरा जो प्रोजेक्ट है इस पर क्रिटिकल एक्टिविटी देखना है तो इसके लिए व्यू में आना पड़ेगा एंड नेक्स्ट फिल्टर, देन फिल्टर सिलेक्ट करने के बाद देखिए इधर क्रिटिकल कॉम्प्लीटेड टास्क और क्रिटिकल, क्रिटिकल में दबाने के बाद देखिए मेरा फिलहाल कोई काम हो क्योंकि पूरा पूरा जो प्रोजेक्ट है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है इसलिए नहीं दिखा रहा है क्रिटिकल, अगर आपका क्रिटिकल एक्टिविटी हो तो दिखाएगा आपको।
कॉम्प्लीटेड टास्क देखिए पूरा हो गया, क्या कि मेरा पूरा प्रोजेक्ट कॉम्प्लीटेड हो चुका, इसलिए कॉम्प्लीटेड टास्क दिखा रहा है। और नेक्स्ट इनकॉम्प्लीट टास्क क्या है वो भी देखिए, ये सब कुछ इनकॉम्प्लीटेड टास्क है, इसीलिए देखिए इसका रिबन पूरा एंड तक नहीं आया। तो ऐसा करके आप कोई भी देन नो फिल्टर करने से ये चला जाएगा। और मानिए कोई भी मतलब आपका जो एक्टिविटी है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है उसको हाईलाइटेड करना चाहते हो तो वो इधर से हाईलाइट कर पाओगी। मानिए ये मेरे को ये दिखना है कुछ माइलस्टोन के हिसाब से या फिर डेट रेंज के हिसाब से क्रिटिकल के हिसाब से डालना चाहते हो तो वो ये देखिए डाल दिया, देखिए ये हाँ हाईलाइटेड हो गया, पूरा नो हाईलाइट फिर ठीक है अब चला गया। ऐसा करके आप कुछ भी डाल पाओगी इसके हिसाब से। एंड ये हो गया। और एक चीज़ दिखाऊंगा मैं, एक आसान शॉर्टकट चीज़, ये देखिए मेरा जो इधर गेन चार्ट दिख रहा है लेफ्ट आपका जो राइट हैंड साइड में, ये गेन चार्ट पूरा मतलब नहीं दिख रहा है, इसको एक साथ में पूरा कवर अप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब पूरा व्यू जो है गेन चार्ट को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। मानिए ये है मेरा गेन चार्ट ऐसे आ रहा है, इसको पूरा देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्यू में आना पड़ेगा एंड नेक्स्ट एंटायर प्रोजेक्ट देखिए, देन ये पूरा गेन चार्ट फॉर्मेशन दिख जाएगा एक ही स्लाइड पे। ओके तो अब मैं दिखाऊंगा कि कोई भी मतलब जो प्रोजेक्ट हो आपका उसका अगर ये स्टार्टिंग डेट मान लीजिए ये मेरा मंडे, हाँ अब ठीक है, ये स्टार्टिंग जो जो डेट है वो दिखा रहा है 4 अक्टूबर 2021। तो अगर ये आपका मानिए कि ये प्रोजेक्ट है इसका डेट होगा इन फ्यूचर या फिर मतलब ऐसे ही मतलब मानिए कि इसका जो प्रोजेक्ट डे स्टार्टिंग डेट ये शिफ्ट होने वाला है, मतलब इन फ्यूचर होगा या फिर मतलब 5 अक्टूबर होगा या फिर 5 दिसंबर होगा 4 दिसंबर होगा, वो आप कैसे सेट कर पाओगे एक बार प्रोजेक्ट हो जाने के बाद। वो सेट करने के लिए आपको मूव प्रोजेक्ट, इधर एक विंडो पॉपअप होगा और देखिए इधर डेट दिखा रहा है, ओरिजिनल स्टार्टिंग डेट दिखा रहा है और न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट डेट दिखा रहा है, ये आपके मर्जी के हिसाब से आप सेट कर लेना। अगर आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा है स्टार्टिंग होने में होने के लिए वो इधर से सेट कर पाओगे आप लोग। ओके तो मैं फिलहाल यही रखने देता हूँ, और प्रोजेक्ट हो जाने के बाद मैंने पिछले भी आप लोगों के साथ एक्सप्लेन किया था कि कैसे कोई भी प्रोजेक्ट जो है ये एक्टिविटी है इसका तो ये स्टार्टिंग डेट और फिनिशिंग डेट एक्चुअली डाल दिया मतलब पुट कर चुका हूँ मैं। अगर इसका बेसलाइन की तरफ से कंपेयर करूँ तो वो कैसे दिखेगा वो देखने के लिए मतलब प्रेमवीरा जैसा ही सेट ए बेसलाइन करना होगा, और देन बेसलाइन सेट ए बेसलाइन दिखा रहा है, देन इसके ऊपर ओके दबाना होगा। तो देखिए मैं पहले से मेरा जो बेसलाइन है यूज़ कर चुका हूँ तो इसीलिए ये विंडो वाला पॉपअप नोटिस दिखा रहा है। तो बेसलाइन देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम ट्रैकिंग गेंट, और ये देखिए ये इधर राइट हैंड साइड में आपको बेसलाइन की तरफ से प्रोजेक्ट का वर्क प्रोग्रेस दिखा रहा है, ये देखिए ये मेरा वर्किंग प्रोग्रेस दिखा रहा है बेसलाइन की तरफ से, ग्रे लाइन जो है वो बेसलाइन है। ओके ये माइलस्टोन वन, ये वन टाइप ऑफ माइलस्टोन एक्टिविटी या फिर समरी एक्टिविटी बोल सकते हो ये इसको। और ऊपर जो दिख रहा है ऊपर जो जो लाइन है वो है टोटल टोटल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब कितना परसेंटेज जो प्रोजेक्ट कितना परसेंटेज होके रखा हुआ है ये दिखा रहा है नीचे एक्टिविटी के हिसाब से। और एकदम टॉप में जो दिख रहा है ये रहा, ये है टोटल प्रोजेक्ट कंप्लीशन। और
अब मानिए कि आपको कोई भी एक्टिविटी में, नेक्स्ट में दिखा रहा हूँ, कोई भी एक्टिविटी में ये जो मेरा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है इसके ऊपर ये रहा एक्टिविटी। अगर कोई भी एक्टिविटी में आपका कुछ नोट डालना चाहते हो, मतलब अगर मानना चाहते हो कि आपका कुछ नोट दिखना चाहिए या फिर कुछ एक्स्ट्रा कमेंट्स वगैरह दिखना चाहिए, तो वो कैसे आप लोग डाल पाओगी? वो डालने के लिए देखिए मैं क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा कमेंट या फिर कुछ क्वेश्चन वगैरह डालने के लिए, ये मानिए मेरा ये ब्रिक वॉल या फिर बैक फिलिंग जो है, इधर मैं कुछ नोट डालना चाहता हूँ, क्वेश्चन नोट या फिर कुछ भी हो, वो कैसे डालोगे? अगर वो डालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा ऐसे, और देखिए ये एक विंडो पॉपअप हुआ है उधर, इधर नोट्स ऑप्शन दिख रहा है, इधर नोट्स, इधर आके कोई भी कुछ भी नोट्स लिख सकते हो, तो मैं अगर लिख दूं इधर, तो देखिए ये लिख लिया मैंने, वर्क डन बाय मोहम्मद आजहार और ऑन तो ये ऐसे कुछ लिख दिया, वर्क डन बाय मोहम्मद आजहर ऑन हिज लीव, तो ये मैं ओके कर दूंगा। तो देखिए ये एक नोट बनकर तैयार हो गया, ये रहा एक नोट, इधर कर्सर लाऊंगा तो इधर दिख जाएगा नोट क्या है। ओके ये बन गया, कैसे आप कोई भी नोट डाल पाओगे। अब मैं और एक चीज़ दिखाऊंगा कि अगर आपको नोट तो दिखा रहा हो, अगर आपको मानिए कि कोई पीडीएफ शो करना होगा या फिर कोई हाइपरलिंक शो करना होगा कोई भी एक्टिविटी में, तो वो कैसे कर पाओगे आप लोग? कोई भी एक्टिविटी में हाइपरलिंक या फिर कुछ डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट शो करना हो, तो वो कैसे कर पाओगे? वो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए लेफ्ट क्लिक करना, राइट क्लिक करना पड़ेगा माउस की, देन लिंक, और इधर इधर देखिए आपका जो विंडो होगा उधर से दिख जाएगा कि आपका विंडो का हाइपरलिंक का जो जो डॉक्यूमेंट डालना चाहते हो आप लोग, वो इधर से डाल पाओगे। ओके अगर मैं ये कोर्स मैनुअल डालना चाहता हूँ, तो देखिए इधर क्लिक करने के बाद ओके डाल दूंगा, तो फिर वो रिप्लेस हो जाएगा या फिर आ जाएगा, और ब्राउज पेज को हिसाब से भी डाल पाओगे। ओके तो ऐसा करके आप कोई भी डॉक्यूमेंट या फिर कुछ भी ईमेल अटैचमेंट कर सकते हो हाइपरलिंक के हिसाब से, न्यू डॉक्यूमेंट ऐड कर सकते हो। देन हो जाने के बाद ओके दबाना पड़ेगा, देन ये और खुद ब खुद हाइपरलिंक सेट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मैं क्या दिखा, नेक्स्ट में दिखाऊंगा कि कोई भी प्रोजेक्ट का जो एक्टिविटी है, ये जो हर एक एक्टिविटी चल रहा है, अगर मानिए कि ये कोई भी प्रोजेक्ट का मतलब कितना डिले हो रहा है एक्टिविटी, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, मतलब पूरा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के लिए कौन सा काम धीमे चल रहा है या कौन सा काम डिले, बोलना ठीक नहीं है, बोलेंगे कि कौन सा काम जो उसका जिस हिसाब से जिस दिनों में करना चाहिए, मतलब मानिए कि ये जो काम दिख रहा है ये 4 दिनों के लिए इसका ड्यूरेशन पीरियड है, अगर ये धीमे चलेगा इसका डिले जरूर आएगा, मतलब 4 से या 5 या 6 दिन आज आ सकता है, तो वो मेरे को कौन कैसे वो मॉनिटर कर पाऊंगा? तो वो मॉनिटर बाय एग्जीक्यूशन करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक अलग सा कुछ टैब लाना पड़ेगा, उसको बोला जाता है टोटल स्लैक टैल, टोटल स्लैक मतलब कितना एक एक एक्टिविटी में कितना लैग हो रहा है, स्लैक हो रहा है ना, वो डालने के लिए इधर से आप देख पाओगे। तो वो कैसे ऐड कर पाओगे, वो ऐड करने के लिए आपको न्यू ऐड कॉलम में आना पड़ेगा, देन इधर से टोटल स्लैक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। फिलहाल मैं पहले से ही ऐड कर चुका हूँ इसीलिए आपको नहीं मिल रहा है, तो ये रहा, इधर आके इधर टोटल स्लैक देखो,
इधर ये रहा ऑप्शन, इधर से दिख जाएगा, वहां से आप लोग टोटल स्लैक ऐड कर पाओगे। ओके देन देखिए, मानिए कि मेरा ये रहा कुछ एक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग का जो मैं पिछले वीडियो पिछले क्लास में दिखाया था। ये एक्टिविटी में इसका कॉम्प्लीशन मतलब कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, एक्चुअल 35%। 35% मतलब जो इसका रिक्वायर्ड डे ड्यूरेशन दिया गया है वो 3 दिन है, मतलब 3 दिन के हिसाब से ये 35% हुआ है आज के डेट में। मतलब इसका कुछ लैग चल रहा है, कितने दिनों के लैग, 4 दिन का लैग चल रहा है। मतलब अगर ये 35% के हिसाब से चलेगा तो वो 4 दिन मतलब वो खत्म करने के लिए एक्स्ट्रा और 1 दिन लग जाएगा, तो इसीलिए इसका इसको बोला जाता है इसको लैगिंग पीरियड। ओके मतलब ये 4 दिन का लैग में चल रहा है। ऐसे ही देखिए ये 61 डे का लैग चल रहा है, अगर ऐसे चलेगा तो 60% काम हुआ है। अगर मैं ये इंक्रीज कर दूंगा, मतलब कॉम्प्लीशन ऑफ द वर्क अगर मैं इंक्रीज करूँ तो फिर देखिए इसका ये कंप्यूटर लैगिंग पीरियड स्लैकिंग पीरियड ये डिक्रीज हो गया, देखिए। ओके तो ऐसे करके आप कोई भी स्लैक टोटल स्लैक ऐड कर पाओगे, देख पाओगे कोई भी एक्टिविटी का। ये जो प्रोसीड है वन टाइप ऑफ लैगिंग पीरियड देखने के लिए यूज होता है ये। और ये हो गया हम तो मैं तो अब तो मैं दिखा दिया कि कैसे आप लोग कोई भी लैग देख पाओगी, और वो लैग कैसे ऐड कर पाओगी, वो कैसे मतलब मानिए कि जो एक्टिविटी है मेरा वो थोड़ा लैग चल रहा है। ओके तो वो लैगिंग कैसे ऐड कर पाओगी, वो ऐड करने के लिए मानिए ये मेरा एक्टिविटी है, ये थोड़ा 2 दिन का जो दिखा रहा है, या इसको मैं लैगिंग पीरियड में डालूंगा। वो डालने के लिए प्लिंथ बीम का जो एक्टिविटी है वो लैग डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देखिए डबल क्लिक करने के बाद ये रखा, देखिए इसका ब्रिक वर्क बिलो प्लिंथ मतलब का जो अगले मतलब पहले वाला जो एक्टिविटी है वो ब्रिक वर्क का है। अगर ब्रिक वर्क का इधर मैं लैग डाल दूँ तो देखिए क्या होता है, ये मैंने लैग डाल दिया 4 दिन का। ओके और देखिए इधर लैग ये इनपुट हो गया, ये रहा प्रीडिसेसर में लैग इनपुट हो गया, वो कैसे दिखेगा आप लोगों को गेम चैट में, वो क्लियर दिखेगा लैग। ये देखिए प्लिंथ बीम का लैग चल रहा था, वो ये रहा हम प्लेन बीम का, देखिए लैग ये शिफ्ट हो गया थोड़ा सा, प्लेन बीम का एक्टिविटी थोड़ा शिफ्ट हो गया। अगर मैं ज़्यादा इंक्रीज करूँ तो ज़्यादा इंक्रीज ये मैंने डाल दिया, मानिए प्लेन बीम का काम 10 दिन का है, और ये देखिए ये लैगिंग कितना शिफ्ट शिफ्ट हो गया। ओके उसकी तरफ से तो ऐसे करके कोई भी एक्टिविटी में लैग इनपुट कर सकते हो आप लोग। और लैग इनपुट करने के बाद अगर आपका कोई एक्टिविटी मतलब लैग हो रहा है, और ये देखिए ये इधर दिखा रहा है कि हर एक एक्टिविटी जो है ना लगभग मैक्स टू मैक्स सब स्टार्ट टू फिनिश टाइप एक्टिविटी है, तो अगर मानिए मेरा जो प्लिन बीम का काम है ये दिखा रहा है स्टार्टिंग डेट इसका 28 अक्टूबर 2021 है। अगर मैं मानिए कि मेरा प्लिंथ बीम का काम 28 अक्टूबर ही शुरू होना चाहिए, या फिर ब्रिक बैकफिलिंग का जो काम है ये 30 अक्टूबर दिखा रहा है, ये 30 अक्टूबर ही शुरू करना होगा। मतलब इसको कहते हैं प्राइमेविरा की लैंग्वेज में, मेरे को इधर एस्ट्रेक्स मार्क डालना होगा। ओके तो
तो एस्ट्रेक्स मार्क्स मतलब इसी दिन ही मतलब शुरू होना चाहिए या फिर इसी दिन ही ख़त्म होना चाहिए या फिर इसको 1-2 दिन पहले ख़त्म होना चाहिए, मतलब वो कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह जो है जिस जो मैं प्राइमरी में बोल चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो कैसे डाल पाऊँगा मैं, वो तो वो डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम प्रोसीड्योर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये विंडो पॉपअप हो गया डबल क्लिक करने के बाद, एंड नेक्स्ट एडवांस में आना पड़ेगा। एडवांस आने के देखिए इधर दिखा रहा है कॉन्स्ट्रेंट टाइप, ये रहा कॉन्स्ट्रेंट टाइप, मतलब ये एक्टिविटी क्या है, कौन सा टाइप का एक्टिविटी आप डालोगे, मतलब एक्टिविटी का कॉन्स्ट्रेंट क्या है वो डालने के लिए इधर से आप वो क्लैरिफाई कर पाओगे। मतलब एज सुन एज देखिए इधर मैं जो अलग अलग जो एक्टिविटी होता है उसके हिसाब से दिया हुआ है, एज लेट एज पॉसिबल, एज सुन एज पॉसिबल, फिनिश टू स्टार्ट, फिनिश नो अर्लियर देन, फिनिश टू लेट देन, स्टार्ट मस्ट स्टार्ट ऑन, है ना, सब कुछ दिखा रहा है कौन सा टाइप का कॉन्स्टेंट है। तो अगर मैं इधर मस्ट स्टार्ट ऑन डाल दूँ ना, तो देखिए उधर और इधर से कॉन्स्टेंट डेट भी डाल पाओगे आप लोग, मतलब अगर आपका जो एक्टिविटी है उसका डेट इधर से 30 अक्टूबर दिखा रहा है 2021, तो अक्टूबर 30, तो ये डाल दिया मैंने, इसका डेट फिक्स ड्यूरेशन भी डाल सकते हो इधर से, मतलब उसका काम का ड्यूरेशन, जो कंस्ट्रक्शन अगर प्रोजेक्ट हो तो उसका ड्यूरेशन होगा फिक्स ड्यूरेशन या फिर फिक्स यूनिट, अगर कुछ आईटी वाला काम हो, आईटी ऑपरेशनल वाला, देन उसका फिक्स्ड वर्क होगा। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में फिक्स ड्यूरेशन भी चलता है और फिक्स यूनिट भी चलता है, तो मैं इधर फिलहाल फिक्स ड्यूरेशन में ऑन कर देता हूँ, देन ओके। और देखिए इधर मेरा प्रोजेक्ट में ये एक कॉन्स्टेंट हो गया, ये जो प्रोजेक्ट ये कांस्टेंट वाला हो गया, मतलब इसको उसी दिन ही शुरू करना होगा, ये आपको दिख जाएगा प्रोजेक्ट में। तो मैंने ये दिखा दिया, अब मैं क्या करूँगा, रिपोर्ट तो मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा बहुत रिपोर्ट के बारे में बोला था, कैसे रिपोर्ट करो कोई भी चीज़ का, रिपोर्ट प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कैसे देख पाओगे आप लोग, तो देखिए थोड़ा अभी भी बोल देता हूँ, रिपोर्ट तो आपका मर्जी के हिसाब से वो रिपोर्ट बना पाओगे, न्यू रिपोर्ट में आके टेबल फॉर्मेट या फिर कंपैरिजन फॉर्मेट, चार्ट फॉर्मेट, डैशबोर्ड पे देखिए इधर अपकमिंग टास्क या फिर प्रोजेक्ट ओवरव्यू, प्रोजेक्ट ओवरव्यू की रिपोर्ट कैसे दिखता है देखिए, ये दिखा रहा है मतलब कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ है, और इधर लेट टास्क क्या है वो दिखा रहा है। ओके एंड आपका कॉस्ट ओवरटर्न क्या प्रोजेक्ट में है वो भी इधर चार्ट के हिसाब से दिखा रहा है रिपोर्ट में, देखिए इधर है कॉस्ट, कितना कॉस्टिंग जा रहा है अलग 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 रिसोर्सेस में, प्लम्बर, कारपेंटर, लेबर, मेसन, सबके ऊपर। ये है अर्न वैल्यू रिपोर्ट, अर्न वैल्यू रिपोर्ट भी जो है मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या है, वो बजटेड कॉस्ट क्या था, ये है ओवरटर्न हो गया है प्रोजेक्ट का ओवर बजट, क्योंकि इसका एक्चुअल कॉस्ट ज़्यादा है ना। देन कैश फ्लो, तो फिलहाल यही है प्रोजेक्ट का जो रिपोर्ट कैसे बनता है मैं अभी दिखाया आप लोगों को, अब मैं दिखाऊंगा कि इधर अलग अलग टास्क के हिसाब से जो गैंट चार्ट है वो अलग अलग टास्क के हिसाब से कैसे बनता है,
मैं पहले दिखा दिया था कि गैंट चार्ट का ट्रैकिंग गैंट जो होता है वो ट्रैकिंग ट्रैक करना कोई भी चीज़ को, मतलब कोई भी एक्टिविटी को उसका बेस लाइन के हिसाब से ट्रैक कैसे करना पड़ता है वो ट्रैकिंग गैंट से पता चलता है। और रिसोर्सेस यूज, रिसोर्सेस ग्राफ, मतलब कितना रिसोर्सेस यूज हो अभी तक होके रखा हुआ है, देखिए उसका कुछ फॉर्मेट। आप लोगों को जैसे दिख जाएगा, ये दिखा रहा है इलेक्ट्रिकल रिसोर्सेस। एंड टास्क शीट दिख जाएगा, टोटल टास्क शीट कैसे बनाना, मतलब जो है मेरा वो गे अगर टीम प्लानर, मतलब टीम क्या, देखिए टीम मेरा जो क्रिएट हुआ था लेबर के हिसाब से काम करने के लिए, लेबर देखे कि मतलब अलग अलग एक्टिविटी में कौन सा टीम यूज़ हो रहा है, मतलब जो मैं टीम वर्क डाउन, मतलब हर एक रिसोर्सेज की तरफ से, मतलब ब्रिक वर्क करने के लिए, इलेक्ट्रिकल काम करने के लिए जो रिसोर्सेज यूज हो रहा है वो देखिए इधर दिखा रहा है उसका चार्ट फॉर्म करके। ओके, और नेटवर्क डायग्राम तो आपको मालूम ही है, फ्लो चार्ट जैसा ही है नेटवर्क डायग्राम। ये ट्रैकिंग करना, तो अभी तक मैंने जो 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 चीज़ बता दिया फिलहाल बेसिक थ्योरी वही है, कोई भी प्रोजेक्ट का बेसिक प्रिंसिपल उस पर ही चलता है। तो मैंने क्या दिखा, फाइल में ऑप्शन में आके दिखा दिया कैसे आप लोग कोई भी ऑप्शन सेट कर पाओगी, और सेव एज से आपका प्रोजेक्ट कैसे सेव होता है तो आप लोगों को मालूम ही होगा। सेम लाइक एम एस एक्सेल, और टास्क में क्या क्या है, आपका टास्क रिलेटेड कोई भी एडिटेड ऑप्शन जो है वो इधर ही आप लोगों को मिल जाएगा। टास्क को समराइज करना, इसका माइलस्टोन देना, नोट ऐड करना, डिटेल लिखी इधर डिटेल्स, और लिंक अप करना, मतलब अगर कोई भी एक्टिव जो टास्क इसको लिंक करना चाहते हो तो इधर से लिंक ऑप्शन दिख रहा है, लिंक सिलेक्टेड टास्क, देन ये दबाने से दोनों टास्क एक से एक के साथ एक लिंक हो जाएगा। और ये तो स्प्लिट, मतलब ये तो लिंक करने का ऑप्शन में, मतलब ये जो लिंक है ना, ये रहा एरो वाला ऑप्शन, इसको ही बोला जाता है लिंक। और ये स्प्लिट, मतलब ये दबाऊंगा तो ये दोनों टास्क अलग हो जाएगा। क्लियर, ये परसेंटेज ऑफ कॉम्प्लीशन ऑप्शन है, कितना परसेंटेज होके रखा हुआ है। और ये है वर्डिंग टूल बार, वर्ड और एक्सेल को एडिट करने के लिए, मतलब आपका जो वर्ड है इसका एक्सेल या फिर उसका स्टाइल फॉन्ट चेंज करने के लिए, इसका साइज बनाने के लिए वर्ड का, और तो ये थोड़ा बहुत एम एस एक्सेल का एम एस वर्ड जैसा ही है, कलर और थीम देने के लिए। रिसोर्सेस, मतलब आपका रिसोर्सेस कैसे आप लोग ऐड कर पाओगे, मैंने पिछले वीडियो में दिखा दिया, एक्सप्लेन कर चुका। और रिपोर्ट कैसे बनता है वो भी मैं बोल चुका, एक्सप्लेन कर दिया रिपोर्ट क्या क्या कैसे होता है। और ये चेंज टाइम, मतलब कैलेंडर फॉर्मेट चेंज करने के लिए, और पहले और कैसे बेसलाइन सेट कर पाए वो भी मैंने दिखा दिया। और ये लिंक बिटवीन प्रोजेक्ट, मतलब अगर आपका एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट है या फिर लिंक करना चाहते हो दोनों दो प्रोजेक्ट को, मानिए ये जो प्रोजेक्ट है कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट है, अगर आपका कोई दूसरा प्रोजेक्ट है जो अलग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है वो लिंक करने के लिए लिंक बिटवीन द प्रोजेक्ट अगर क्लिक करूँगा ना तो फिर वो देखिए इधर से आपको आईडी पूछेगा, एक्सटर्नल सोर्स से भी आप ऐड कर पाओगे, ऐसे करके लिंक करके आप कोई भी अलग प्रोजेक्ट को ऐड कर पाओगे। और सब प्रोजेक्ट, अगर मानिए ये प्रोजेक्ट ये रहा मेरा जो प्रोजेक्ट है ये कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट है, अगर आपका इधर मैकेनिकल वाला कुछ काम का कोई प्रोजेक्ट बनाना हो इधर में बना सकते हो, तो बनाने के लिए सब प्रोजेक्ट डालना होगा। ओके, सब प्रोजेक्ट को करके कोई अलग अलग सा कोई बिल्डिंग का जो काम है मैकेनिकल वाला वो भी आप ऐड कर पाओगे सब प्रोजेक्ट के हिसाब से। इट वन टाइप ऑफ ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जैसा ही है, ब्रेकडाउन नहीं, हाँ ऐसा ही है। और ये मैंने दिखाया है कैसे आप लोग खुद से कोई भी एडिट टूल बार ऐड कर पाओगे,
ये व्यू है आपका जो अभी तक जो गेन चैट है या फिर गेन चैट का जो जो टैब है वो उसको व्यू करने के लिए या फिर एक्टिविटी को फिल्टर करने के लिए टेबल के हिसाब से वो सब चीज़ आप इधर से कर पाओगे। ओके, और ऊपर जो टाइम टैब दिख रहा है, ऊपर जो विंडो दिख रहा है या फिर टैब दिख रहा है, ये है ना टाइम के हिसाब से, इसको टाइम लाइन टैब बोला जाता है। अगर ये मैं ऑफ कर दूँ ये टाइम लाइन टैब चला जाएगा, अगर ये ऑन कर दूँ तो फिर ये टाइम लाइन के हिसाब से टास्क का प्रोग्रेस कितना हो हुआ है अभी तक वो शो करेगा। ओके, तो आज के लिए क्लास में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।